हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। शॉर्ट्स तो मैं डाल रही थी, बट ब्लॉग्स मैं बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा चली गई थी मायके। तो वहाँ पे कुछ घर फंक्शन हो रहे थे, तो उसकी वजह से मैं ब्लॉग अपडेट नहीं कर पा रही थी। बाइक टू मैं अपनी जगह पे आ गई हूँ, तो आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ मेरे भतीजे का और भतीजी का मुंडन का ब्लॉग। तो आप इस ब्लॉग को इंजॉय करिए, अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बिहार में कैसे मुंडन किया जाता है, किस किस रीति रिवाज से, वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। आप लोग इस वीडियो को इंजॉय करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर हम लोग कीजिएगा। निकल चुके हैं मुंडन के लिए। मम्मी हैं, भाभी हैं, बुआ जी हैं और मैं और भैया एक कार में, दूसरी कार में दीदी, उनके बच्चे और मेरा एक भाई। और रास्ते में हम जियाजी को पिकअप करेंगे। गांव का दृश्य आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। पूरा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आपको हम लोग पहुँच के अपडेट करते हैं कि क्या होता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बहुत लंबा ट्रैवल करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। अभी दूसरी गाड़ी से दीदी लोग भी आ ही रही होंगी, फिर वहाँ पे अपडेट करते हैं कि क्या कैसे है, कौन आए कौन नहीं आए। तो यहाँ पे आप देखो दीदी भी आ गई है। ये गंगा जी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा लंबा है और इतनी तेज हवा चल रही थी, इतनी गर्मी भी थी। मामू जी के पास जाओ, गिर जाओ। हाँ, मामू जी के पास जाओ। चलो 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 चलो, पानी पानी पानी। ईवा किसी को नहीं पहचानती, तो रो ही रही है। दीदी यहाँ पे पोज दे रही है। और ये आप देखो कुछ इस तरह से गंगा जी का है। और यहाँ का रास्ता इतना गंदा है ना कि क्या बताऊँ। चलो 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 चलो, क्या हो गया दीदी के साथ? तो हो इसका मुंडन है और डुगू इधर देखो, डुगू इसका मुंडन, इन लोगों का मुंडन नहीं है, इसका मुंडन इसका। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पंडित जी पूजा की तैयारी में लग चुके हैं, मुंडन का जो भी करना होता है। और यहाँ पे भैया और दीदी अपनी बातें कर रहे हैं, बच्चे इधर बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सब यहाँ पे बिजी हैं, कुछ ऐसा काम तो है नहीं। और ये देखिए आप क्या हो रहा है, महावर लगा जाता है हमारे यहाँ। कोई भी चीज़ें लाइक पूजा वगैरह, कुछ भी अच्छा चीज़ होता है तो उसमें सबके पैरों में लगाया जाता है महावर, और सुंदर भी बहुत लगता है। अब यहाँ पे भैया का भी कलर भाभी, ये भैया को देखिए। अरे वाह, गिर जाना रंग भाई। इवा इधर देखो, इवा देखो, नहीं यहाँ पे हो गई। वाह अच्छा है ना भैया। और यहाँ पे पंडित जी ने कर लिए हैं सारे कुछ ऑल सेट, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। जिसको नहाना था जिन्होंने नहा लिया, जो नहाने वाले हैं वो नहा रहे, हमने तो बस ऐसे गंगा जल छिड़क लिया क्योंकि नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तेज हवा चल रही थी, बहुत ही तेज, और इतनी ही गर्मी थी। और यहाँ पे सुर का सिंदूर लग रहा है, ऐसे नाक से लेके पूरा ऊपर सर माथे तक किया जाता है। पहले बालू में तेल लगा के किया जाता है ऐसे करके पूरा। अब यहाँ पे देखो भाई, दीदी का तेल लग गया, वैसे नाक से स्टार्ट करके पूरे माथे तक ले जाएंगे। शुभ माना जाता है, रीति रिवाज है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए। और आया मेरा टर्न, ऐसे भी यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से लगाया जाता है और सुंदर लगता है देखने में, अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से सबका ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद आप देखो थोड़ा सा इधर, यहाँ पे देख सकते हो डुगू का मुंडन स्टार्ट हो गया है। और मैं पूरे मुंडन में इतनी परेशान थी ना, क्योंकि ईवा मुझे बहुत परेशान करती थी, वो बहुत रो रही थी, गर्मी से भी हो रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी।
तो मैं उतना तो इन्जॉय नहीं कर पाई, मैं वीडियो भी बहुत कम शूट कर पाई हूँ। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि किस तरह से इवा रोए जा रही शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि एक तो न्यू है सब कुछ उसके लिए, सब किसी को नहीं पहचानती है वो, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो बस बच्चों के साथ थोड़ा हो ही जाता है। तो इस तरह से डुगू का मुंडन हो चुका है। अनवी का मुंडन का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईवा रोने लगे थे। आप यहाँ पे देख लो वीडियो में किस तरह से वो परेशान हो रही है। तो इस तरह से अनवी का भी मुंडन होता है और यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो जाता है।